आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 23वां अध्याय वचन 1 से 11। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है, इसलिए इसराइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूँगा और वे फिर फूले फलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे और तब वे न तो फिर डरेंगी न विस्मित होंगी और न उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इसराइली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। इसलिए देख यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिनमें लोग फिर न कहेंगे, यहोवा जो हम इसराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, परंतु वे यह कहेंगे, यहोवा जो इसराइल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहाँ उसने हमें जबरन निकाल दिया छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, तब वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। भविष्यद्वक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ जो दाखमधु के नशे में चूर हो गया हो, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है। इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है, वन की चराइयां भी सूख गई। लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की ओर, वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही के साथ, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यहोवा की यही वाणी है।